Good morning, students. Welcome to your new class. I am your TVS teacher. Today we are going to start our first chapter, Myself. Chapter 1. Myself. Myself means अपने बारे में या खुद के बारे में. In this chapter we will learn how to introduce ourselves. हम इस chapter में पढ़ेंगे कि हम अपने आप को किसी और के सामने या किसी और से कैसे describe कर सकते हैं. Okay? Okay students, जब भी हम अपने आप को किसी से सामने इंट्रोड्यूस करते हैं या जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं. वी इंट्रोड्यूस आर सेल्फ्स बाय टेलिंग आवर नेम कि हमारा नाम क्या है. जैसे माय नेम इज दिस, से माय नेम इज अंशिका, या फिर आप माय नेम इज रिया, या माय नेम इज अमित, एक्सेट्रा. ओके, अच्छा जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे हमारा नाम, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, हमारी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, या हमें क्या खेलना पसंद है, क्या खाना पसंद है, एंड हम कहाँ रहते हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों को बताते हैं, तभी हम अपने बारे में किसी से, अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो. Hello friends. I am Priya. I am a girl. I am 6 years old. My favorite fruit is mango. I love playing cricket. I enjoy reading books. Here is an example given in your book. Rhea is in her classroom. It is the first day of the new class. Rhea ka apni class mein pehla din hai, matlab she is having first day in her classroom. And Rhea is telling her classmates about myself. Wo apni classmates ko apne bare mein bata rahi hai, matlab apne aapko apne students se introduce kar rahi hai. हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ ग्रीटिंग. जब भी हम किसी से मिलते हैं, अपने छोटों से बड़ों से, तो हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं. जैसे अगर हमारे फ्रेंड्स हैं तो हेलो हाय, अगर हमसे हमारे एल्डर्स हैं तो वी कॉल, हम उन्हें भी ग्रीट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एक्सेट्रा. ओके, शी इज़ सेइंग हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिया, आई एम अ गर्ल. इन दिस सेंटेंस शी इज़ टेलिंग हर नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ बाय हर नेम. पहले वो अपने आप को अपने नाम से इंट्रोड्यूस करेगी, दैट आई एम रिया, मेरा नाम रिया है, एंड आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ. आई एम 6 ईयर्स ओल्ड. मैं कितने साल की हूँ, 6 ईयर्स की. शी इज टेलिंग कि मेरा नाम रिया है, मैं एक लड़की हूँ और
मैं 6 साल की हूँ. नेक्स्ट, माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो. इन दिस सेंटेंस शी इज टेलिंग हर लाइक्स एंड डिसलाइक, कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल शी इज सेइंग माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, मतलब रिया को मैंगो बहुत पसंद है, मतलब उसका फेवरेट फ्रूट क्या है, मैंगो. आई लव प्लेइंग क्रिकेट, और उसको सबसे ज़्यादा खेलना क्या पसंद है, क्रिकेट. आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, मतलब नाउ शी इज सेइंग आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, उसको बुक्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है. दिस थिंग इज ऑल अबाउट रिया, ये किसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, रिया की. रिया अपने बारे में बता रही है कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, मेरी ये एज है, मुझे ये खेलना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है. ऐसे ही हर पर्सन टू पर्सन, मतलब हर सबकी अपनी अपनी अलग अलग लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम रोहित, ओके, एंड आई एम अ बॉय. इन लास्ट एग्जाम्पल शी इज अ गर्ल. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, नाउ रोहित. अब क्या है, माई नेम इज, आई एम रोहित, आई एम अ बॉय, मेरा नाम रोहित है और मैं एक लड़का हूँ. नेक्स्ट, आई एम एट ईयर्स ओल्ड. राहुल कितने, रोहित कितने साल के हैं, 8 ईयर्स के. मीन्स पर्सन टू पर्सन अलग अलग लोगों की अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग एज होती है और अलग अलग पसंद नापसंद होती हैं. माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हर फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, बट इन दिस हर फेवरेट फ्रूट इज एप्पल. जैसे रिया को मैंगो पसंद था, तो रोहित को क्या पसंद है, एप्पल. मतलब अलग अलग पर्सन को अलग अलग चीजें पसंद होती है. ओके, आई लव प्लेइंग फुटबॉल. रोहित को क्या खेलना पसंद है, फुटबॉल. ही लव टू प्ले फुटबॉल. आई एंजॉय लिसनिंग म्यूजिक. रिया को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, बट रोहित को म्यूजिक सुनना, मतलब गाने सुनना बहुत पसंद है. एंड आई लाइक ड्रॉइंग. एंड रोहित को ड्रॉइंग करना भी बहुत पसंद है. जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें पसंद है वो किसी और को भी पसंद हो, और जो चीज़ किसी और को पसंद है वो हमें भी पसंद हो. ओके, अगेन, हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित, आई एम अ बॉय, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई एंजॉय लिसनिंग म्यूजिक, आई लाइक ड्रॉइंग. मतलब रोहित को, हिज नेम इज रोहित, हिज एज इज 8 ईयर्स ओल्ड, ही लव टू प्ले फुटबॉल, लिसनिंग म्यूजिक, एंड ही लाइक्स टू ड्रॉ मैनी थिंग्स. ओके, नाउ when we are introducing ourselves to other, जब हम अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम बेसिकली क्या क्या चीज बताते हैं, लाइक ऑल अबाउट माई सेल्फ. हियर वेन यू आर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जब हम अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमें बेसिकली क्या क्या चीज बतानी चाहिए.
My name is Dash. First of all, we'll tell our name. कि हमारा नेम ये है. My name is Rohit. My name is Riya. या my name is Srishti. My name is Anurag. Etc. Whatever your name are having, you have to say my name is this. Okay? I am Dash years old. Next, I am Dash years old. मैं इतने साल का हूँ या मैं इतने साल की हूँ. I am Dash years old. फिर हम उसको अपनी एज के बारे में बताएंगे कि I am 6 years old, I am 7 years old और मैं 6 साल की हूँ, मैं 7 साल का हूँ, मैं 8 साल का हूँ. Okay? In next, I study in class. I study in class dash. In the first two sentences we have tell कि हम our name and age. पहले दो sentences में हमने क्या किया, हमने अपना name और age define किया है. Next we are telling about our education कि हम किस class में पढ़ते हैं. Okay, I study in class. आप अपनी क्लास नोट करेंगे. आइदर यू आर स्टडी इन क्लास फर्स्ट, जैसे आप क्लास सेकेंड में पढ़ते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आई स्टडी इन क्लास सेकेंड. देन द नेम ऑफ माई स्कूल इज, द नेम ऑफ माई स्कूल इज, कि हमारे स्कूल का नाम क्या है. इट मीन्स आप किस स्कूल में पढ़ते हैं. एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग इन नालंदा पब्लिक स्कूल, सो यू विल राइट हियर द नेम ऑफ माय स्कूल इज नालंदा पब्लिक स्कूल. ओके, माय फादर्स नेम इज, आफ्टर डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ अबाउट देन अबाउट योर एजुकेशन, देन यू विल टॉक अबाउट योर फैमिली. हम अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे. My father's name is, means मेरे फादर का नाम ये है. जैसे फॉर एग्जाम्पल्स योर फादर्स नेम इज एस पी सिंह, योर फादर्स नेम इज राहुल गनौजिया, योर फादर नेम इज अमित कुमार, वट एवर यू विल राइट ओवर हियर. हम अपने फादर का नाम लिखे माई फादर्स नेम इज दिस. ओके, नेक्स्ट आफ्टर फादर मदर, माई मदर्स नेम इज दिस. इन दिस सिक्स सेंटेंस यू विल राइट माई मदर्स नेम इज दिस. माई मदर्स नेम इज रीटा, माई मदर्स नेम इज रेखा, माई मदर्स नेम इज एंजेलिन. वट एवर द नेम ऑफ योर मदर इज यू विल राइट ओवर हियर. आपकी मम्मा का जो भी नाम है आप वो लोग क्या क्या लिखेंगे यहाँ. एंड नेक्स्ट, फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि माई आई लिव इन हियर, यू विल राइट योर एड्रेस कि आप कहाँ रहते हैं. जैसे मीन्स योर हाउस नंबर, योर कॉलोनी नेम, योर मतलब एड्रेस. इन दिस सेंटेंस यू विल राइट योर एड्रेस, योर सिटी, योर हाउस नंबर एक्सेट्रा. नेक्स्ट यू विल राइट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑल्सो. आई लाइक टू प्ले I like to eat and some other points also you can write. Means आप कहाँ रहते हैं, आपको क्या खेलना पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, ठीक, आपको कहाँ जाना पसंद है. मीन्स कई लोगों को घूमने का शौक होता है, तुम्हें किस टाइप की प्लेसेस पसंद है, एक्सेट्रा. ओके, आफ्टर नाइन. ओके स्टूडेंट्स, माई नेम इज दिस.
Now we will take one example. For example, my name is Anjali Sharma. Okay? We are taking one example. Her name is My name is Anjali Sharma. तो आप कैसे बोलेंगे? अब आपका जो नाम होगा वो बोलेंगे My name is अनुराग कश्यप या My name is सृष्टि गुप्ता. ओके, नेक्स्ट आई एम डैश ईयर ओल्ड. फॉर एग्जाम्पल अंजलि शर्मा इज ऑफ 6 ईयर्स ओल्ड. तो वी राइट 6. आई एम 6 ईयर्स ओल्ड. आई स्टडी इन क्लास. वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेम क्लास. आई स्टडी इन क्लास 2. ओके, अंजलि शर्मा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 2nd क्लास में. द नेम ऑफ माई स्कूल इज, इस सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ माई स्कूल इज, हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ माई स्कूल इज नालंदा पब्लिक स्कूल. ओके, माई फादर्स नेम इज, इन नेक्स्ट सेंटेंस वील राइट आर फादर, हर फादर्स नेम. माई फादर्स नेम इज मिस्टर राज शर्मा. वेन वेन एवर वी आर राइटिंग द नेम ऑफ आर पेरेंट्स और एल्डर वील पुट मास्टर और मिस मिसेज एक्सेट्रा. जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो डायरेक्टली ऐसे नेम नहीं लिख देते, अपने एल्डर्स का मीन्स अपने पेरेंट्स का या अपने गार्जियंस का. तो हम हमेशा क्या लिखते हैं? वेन अगर ही इज अ मेल तो मिस्टर, एंड फीमेल तो मिस एंड मिसेस. माई मदर्स नेम इज मिसेस प्रीति शर्मा. For example, the name of our mother is Preeti Sharma. I live in Bareilly. Her address is, for example, house number 5, Colony Bank. City name Bareilly. I like to play. Up, Anjali like to play badminton. Suppose she like to play badminton. तो हम यहां क्या लिखेंगे? बैडमिंटन. आई लाइक टू ईट पिज्जा. मान लीजिए अंजलि को क्या खाना पसंद है? पिज्जा. ओके, ऑल अबाउट माई सेल्फ. जब हम किसी को अपने बारे में बताते हैं तो हम बेसिकली ये चीजें डिनोट करते हैं. जैसे माई नेम इज अंजलि शर्मा. शी इज डिनोटिंग हर नेम कि मेरा नाम अंजलि शर्मा है. I am 6 years old. कितने साल की है अंजलि? 6 years की. I am 6 years old. I study in class 2nd. अंजलि शर्मा कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 2nd क्लास में पढ़ती हूँ. The name of my school is Nalanda Public School. मेरे स्कूल का नाम क्या है? Nalanda Public School. My father's name is Mr. Raj Sharma. मेरे फादर का नाम क्या है? मिस्टर राज शर्मा. माय मदर्स नेम इज मिसेस प्रीति शर्मा. अंजलि की मदर का नाम क्या है? प्रीति शर्मा. तो क्या कहेगी वो? मेरी मदर का नाम प्रीति शर्मा है. आई लिव इन हाउस नंबर 5 दिस कॉलोनी बरेली. मैं कहाँ रहती हूँ? अंजलि कहाँ रहती है? हाउस नंबर 5- बरेली. आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन. अंजलि को क्या खेलना पसंद है? बैडमिंटन. I like to eat pizza. What she wants to? Likes to eat pizza. Okay? So, it means that all the persons are having their different likes and dislikes. सबकी likes and dislikes क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं. जैसे रोहित को apple बहुत पसंद था और उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, बट अंजलि को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है. एंड
His favorite fruit is apple, but she likes to eat pizza. तो क्या होता है, जब भी हम अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने बारे में किसी को बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है और अपनी अपनी एक पसंद होती है. ओके ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी इंट्रोड्यूस आवर नेम. हम क्या बताते हैं, अपना नेम. नेम नेक्स्ट अबाउट अस मीन्स आई एम अ गर्ल, आई एम दिस इयर्स ओल्ड. ओके अबाउट योरसेल्फ, नेक्स्ट गर्ल और बॉय, नेक्स्ट अबाउट आवर एजुकेशन क्लास. एजुकेशन मीन्स लाइक योर क्लास. स्कूल नेम एक्सेट्रा. देन वी कम टू नेक्स्ट आर फैमिली. हम अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, जैसे माय फादर्स नेम, मदर्स नेम, siblings, etc. Siblings, do you know? Sibling means your brothers and sisters. Means जो हमारे भाई बहन होते हैं उनके बारे में. About our name, age, girl, कि either you are a girl, you are a boy, education, family, then your address. That where do you live? कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी क्या लोकेशन है उसमें. About your house number and all. Location. City name. Okay? Next we'll come to our likes and dislikes. कि हमें क्या करना पसंद है और क्या करना पसंद नहीं है. जैसे कुछ बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है. ओके आई लाइक टू प्ले, दे यूज टू प्ले ऑल द टाइम. कुछ बच्चों को बुक्स रीड करना बहुत पसंद होता है. जैसे अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती हैं. किसी को एप्पल पसंद है, किसी को बनाना पसंद है, किसी को पिज्ज़ा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है. लाइक जस्ट लाइक दैट ओनली यू हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ओके एट लास्ट व्हाट वी हैव लर्न्ड,
When we are introducing ourselves, जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं हम क्या बताते हैं? That our identity. The basic thing is identity. कि हम कहाँ क्या हैं, हमारा क्या नाम है, हम कहाँ रहते हैं, हमारी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं. ओके, नेक्स्ट दिस इज अबाउट योर सेल्फ. देन योर एजुकेशन, आपकी क्या एजुकेशन है, आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, एक्सेट्रा. नेक्स्ट फैमिली, अबाउट योर फैमिली. बेसिक चीज क्या होगी आपकी आइडेंटिटी, कि आप अपने बारे में बताते हैं. नेक्स्ट योर एजुकेशन, नेक्स्ट योर फैमिली, लाइक दैट. योर नेम, योर एज, आपकी क्या नाम है, आपकी क्या एज है, आप गर्ल हैं या बॉय हैं. योर एजुकेशन मीन्स योर क्लास, योर स्कूल नेम, एक्सेट्रा. फैमिली, फैमिली में कौन कौन आ जाता है, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड सिबलिंग्स. सिबलिंग्स, रिमेंबर, सिबलिंग मीन्स आपके भाई बहन, या छोटे या बड़े, वो अलग बात है, बट डैट इज योर सिबलिंग्स. ओके, एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, क्या हाउस नंबर है, क्या लोकेशन है आपकी, एंड योर सिटी नेम. एंड द लेट क्लास, लाइक्स एंड डिसलाइक. ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वील कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू क्लास.